प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके चार प्रस्तावक रहे। नामांकन के दौरान एनडीए के कई बड़े नेता और राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। पीएम के नॉमिनेशन पर उनको सपोर्ट करने एनडीए में शामिल सभी दलों के नेता वाराणसी में हैं। और छत्रपति शिवाजी का एक तरह से एक प्रतीक है ये, जैसे अभी हमने देखा कि प्रफुल्ल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाया है। तमाम एनडीए के घटक दलों के नेता आज नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ ये सब वाराणसी में मौजूद हैं और ये दृश्य आप देख रहे हैं, घटक दलों के सभी नेता चिराग पासवान से लेकर प्रफुल्ल पटेल और तमाम अन्य नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर आज प्रधानमंत्री के नामांकन में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री कैबिनेट से 19 मंत्री शामिल थे, वहीं 12 राज्यों से मुख्यमंत्री शामिल हुए। साथ ही साथ तमाम घटक दलों के नेताओं ने मिलकर वाराणसी से एक तरह से एक पूरा शक्ति प्रदर्शन एनडीए का जनता को दिखाया, देश को दिखाया कि किस तरह से ये पूरा एनडीए एकजुट है 2024 के लोकसभा चुनाव में, और एक मत से एक स्वर के साथ 400 पार के नारे को एक तरह से प्रधानमंत्री ने जमीन से ये भी कहा कि ये 400 पार का नारा नहीं बल्कि देश का संकल्प है और एनडीए के घटक दलों ने उस संकल्प को पूरा करने की अपनी ताकत एक बार फिर देश की जनता को वाराणसी से दिखाई जब प्रधानमंत्री अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं।